बीजेपी की नेता सोनाली फोगाट की मौत से जुड़े केस में नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले की जांच कर रही गोवा पुलिस ने दावा किया है कि सोनाली को जबरन ड्रग्स दी गई थी। यह ड्रग्स उनके पीए सुधीर सांगवान और सुफिंदर ने दी। इन दोनों ने यह बात खुद गोवा पुलिस के सामने कबूली है। दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। गोवा के डीजीपी जसपाल सिंह के अनुसार सुधीर और सुखविंदर ने कबूल किया है कि उन्होंने 22 अगस्त की रात सोनाली को जबरदस्ती ड्रग दी। उन्हें लिक्विड में मिलाकर केमिकल दिया गया। ड्रग की ओवरडोज से सोनाली की तबीयत बिगड़ी तो दोनों उन्हें वॉशरूम में ले गए। दोनों सोनाली के साथ 2 घंटे वॉशरूम में ही बैठे रहे। गोवा के डीजीपी ने बताया कि पुलिस को एक क्लब की सीसीटीवी फुटेज भी मिली है। इस फुटेज में सुधीर सांगवान बोतल में सोनाली को कुछ मिलाकर पिलाता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि उस बोतल के लिक्विड में केमिकल हो। इसी मामले में गोवा के आईजी ओमवीर सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आईजी के अनुसार उपलब्ध साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सुधीर सांगवान और सुखविंदर क्लब में पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान दोनों ने सोनाली को कोई लिक्विड पिलाया। इस लिक्विड में कोई सिंथेटिक ड्रग हो सकती है जिसका नाम अभी सामने नहीं आया है। आईजी ओमवीर सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि लिक्विड पीने के बाद सोनाली से संभला नहीं जा रहा। इसके बाद सुधीर और सुखविंदर सोनाली को संभालते नजर आ रही हैं। कुछ समय बाद एक अन्य कैमरे की फुटेज में दोनों सोनाली को वॉशरूम ले जाते हुए नजर आते हैं और 2 घंटे तक वहीं रहते हैं। आईजी ने बताया कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। पुलिस एफएसएल टीम को साथ लेकर आरोपियों के खिलाफ सबूत दोनों को 24 घंटे में कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।